हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैश एजू। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 5। तो चलो देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम सेट में। दोस्तों, एडिशंस ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर। तो कैसे एडिशन होता है दोस्तों इंटीजर्स में, तो आज हम देखेंगे कि सपोज यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं एक आपको बता दे 2+6 मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इनके साइंस देखना है। जैसे कि 2+6 है, लेकिन यहाँ पे 2 के आगे हमें कोई साइन नहीं दिया है और 6 के आगे यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, मतलब यहाँ पे कभी भी अगर साइन नहीं दिया होगा तो वहां पे होता है प्लस साइन। इसका मतलब +2 + +6। अभी +2, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 के राइट साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में होते हैं वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि +2 मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये हुआ +2, तो उसमें हम ऐड करने वाले हैं +6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडिशन करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6+2 कितने आ गए हैं, 8 है। तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगी। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ भी साइन नहीं दिया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी आप +2 और +6 करेंगे, तो कभी भी आप एडिशन करते समय दोनों के जो साइंस है वो हमें जस्ट इग्नोर करने हैं और जो कॉमन साइन होता है वो हमें यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ दोस्तों। जैसे कि अगर हम कहेंगे -3 + 7, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था दोनों के साइंस थे वो थे ++, बराबर है। लेकिन यहाँ पे 3 का जो साइन है वो है माइनस और 7 का साइन है प्लस, बराबर है। तो -3 कहाँ पे है, ये हुआ -3, बराबर है। इसमें अभी मुझे क्या ऐड करना है, 7 ऐड करना है, बराबर है। जैसे कि मुझे एडिशन करना होता है तो मैं राइट साइड में एडिशन करते जाऊंगी, बराबर है। तो यहाँ पे देखो मैं अभी 7 ऐड कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 मेरा कहाँ पे आ गया, जो 4 है वहां पे मेरा 7 आ गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मेरा आंसर है 4। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है कि कौन सा नंबर बड़ा है, 3 और 7, 7 इज द बिगेस्ट नंबर, बराबर है। तो 7 की जो साइन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि टू ऐड अ पॉजिटिव नंबर टू एनी अदर नंबर, मूव टू द राइट एज मेनी यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन एज देयर आर इन द नंबर टू बी एडेड। इसका मतलब हमें पॉजिटिव नंबर को ऐड करना होता है तभी हमें राइट साइड में मूव होना पड़ता है। जितने यूनिट हमें बताए गए हैं उतने यूनिट हमें मूव करने होते हैं। अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मैंने 3+(-5) किया है, यहाँ पे ओनली 3 दिया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, और 5 का साइन हमें दिया है इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है। तो अभी 3 कहाँ पे है मेरा, ये है 3, इसमें मुझे -5 ऐड करने हैं। तो मैं अभी लेफ्ट साइड में जाऊंगी क्योंकि मुझे नेगेटिव नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो 5 कहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, तो मेरा आंसर क्या आ गया है, -2 के यहाँ पे मेरा 5 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, -2। अगला एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे कि -2 + -6, अभी यहाँ पे देखो दोस्तों दोनों को साइन जो है, दोनों का जो साइन है वो माइनस है। तो इसका मतलब अगर मैं -2 से स्टार्ट करूंगी तो मुझे -6 उसमें ऐड करने हैं। तो 6 के लिए मैं यहाँ पे 2 से होते हुए ऐड करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का है वो है -8।
इसका मतलब हमें क्या करना है, देखो दोस्तों, कि टू एड अ नेगेटिव नंबर टू एनी अदर नंबर मूव टू द लेफ्ट एज मेनी यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन एज देयर आर इन द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, ये तो मैंने आपको नंबर लाइन के ऊपर एडिशन कैसे करते हैं वो बताया, लेकिन दोस्तों जब भी नॉर्मल अगर आपके सामने ये नंबर लाइन नहीं रहेगी तो आप कैसे करेंगे। तो हमें हमेशा याद रखना है कि व्हेन एडिंग इंटीजर्स विद द सेम साइन एड द नंबर जो कॉमन है वो हम उसे दे देते हैं, ठीक है। बाद में व्हेन एडिंग इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर वन इग्नोरिंग द साइंस एंड गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर टू द डिफरेंस। यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये माइनस टू मैंने आपको नंबर लाइन के ऊपर दिखाया है, बराबर है, लेकिन अगर डिफरेंट साइन के हमें जो नंबर्स हैं उनका एडिशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे और उसमें जो बिगर नंबर की साइन है वो हम उसे दे देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों आपके, तो देखते हैं इसके ऊपर हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे एड 8 प्लस 6, इसका मतलब ये कैसे है प्लस 8 प्लस प्लस 6, बराबर है, तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लस 14। समझ में आ गया दोस्तों आपके, यहाँ पे देखो अभी प्लस 9 प्लस माइनस 3, मतलब यहाँ पे एक प्लस साइन का है और एक नंबर जो है वो माइनस का है, तो हमें क्या, हमारा रूल क्या बताता है कि बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करके बिगर नंबर का जो साइन है वो हमें उसे देना होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्लस 6। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके, यहाँ पे देखो प्लस 5 प्लस माइनस 6, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस 1। यहाँ पे भी देखो दोस्तों, यहाँ पे माइनस 7, ठीक है, प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू आंसर क्या होगा माइनस 5। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके, माइनस 8 प्लस यहाँ पे प्लस 0, ठीक है, तो आंसर क्या होगा माइनस 8। यहाँ पे माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस 2, अभी सेम साइन है तो हमें क्या करना है, इन दोनों के एडिशन करके हमें जो कॉमन नंबर कॉमन साइन है वो हमें यहाँ पे देनी होती है। समझ में आ गया दोस्तों आपके, अगला देखते हैं कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे एक नंबर करके दिखाया, देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस 2 और प्लस 8 है, तो हमें इनकी एडिशन करके जो नंबर आएगा वो लिखना है, सेम उसी तरह हम आगे भी करेंगे, माइनस 2 और प्लस 4 तो इज इक्वल टू कितना होगा, हमें क्या, हमारा रूल बताता है एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस साइन का होगा, तो हमें बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करके जो बिगर नंबर का साइन होता है वो हमें देना होता है, बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस 2, बराबर है, ये है माइनस 2 और माइनस 3, ठीक है, इसका क्या एडिशन होगा वो होगा 5, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों माइनस 2 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 7। समझ में आ गया दोस्तों आपके, आगे देखते हैं 6 प्लस 8 कितने होते हैं प्लस 14, बराबर है, यहाँ पे भी 6 प्लस 4 प्लस 10, ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों 6 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा प्लस 3। समझ में आ रहा है, 6 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 1, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। अगला है 0, 0 प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है,
जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू प्लस फोर है यहाँ पे, बराबर है। अभी जीरो प्लस माइनस थ्री, तो आंसर क्या आएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसके एडिशन कर रहे हैं। जीरो प्लस माइनस फाइव इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा माइनस फाइव, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो माइनस फोर प्लस एट इज इक्वल टू प्लस फोर, ठीक है। अगला है माइनस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगला है माइनस फोर प्लस यहाँ पे माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन, बराबर है। यहाँ पे भी माइनस फोर प्लस माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस नाइन, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों आगे के हमें क्या करना है। दोस्तों ये थे इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपको और अच्छे तरह से समझा सकती हूँ। दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी भेज सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।